मंगलवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान पुलिस और मार्शल द्वारा विपक्षी विधायकों के साथ बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूरे घटनाक्रम से नाराज विपक्षी पार्टी के सभी विधायकों ने एकजुट होकर बुधवार को सदन का बहिष्कार किया है। नतीजतन बुधवार को सदन का संचालन विपक्ष के विधायकों के गैर हाजिरी में ही शुरू हुआ। उधर इस सब के बीच मंगलवार के पूरे घटनाक्रम से आहत तमाम विपक्षी विधायकों ने एक समानांतर सदन बना कल के सरकारी रवैया पर निंदा प्रस्ताव पास। बता दें कि बुधवार सुबह विपक्ष के तमाम विधायकों ने विधानमंडल परिसर में ही प्रॉक्सी सदन खड़ा कर डाला, जिसमें मुख्य विपक्षी दल राजद के भूदेव चौधरी को स्पीकर बना प्रस्ताव पेश करने के अलावा मंगलवार को घटनाक्रम में शामिल अधिकारियों के बर्खास्तगी पर भी मुहर लग गई। ये बहुत गंभीर मामला है और कल माननीय विधायकों के साथ गंभीर नाइंसाफी हुई है और पटना के एसएसपी और डीएसपी और कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के लोग सदन में घुस कर माननीय विधायक के चलना यार मारने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसको देखा जाए ये बिहार को सरकार नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार को गति पर नहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये संसार करने की बात है। आप सदन के कस्टोडियन हैं, आप इसको देखिए और हम लोग का सम्मान आपको करना है। हम सबका सम्मान आपके जिम्मे निहित है, इसलिए माननीय विधायकों आसन की भी बात सुनी जाए। नहीं, पहले मेरी बात सुन ली जाए। आसन की बात हमेशा मैं सुनता रहा हूँ, आज हमारी बात सुनी जाए। और अध्यक्ष महोदय, उन पुलिस लोगों हटाइए ना, अमित भैया अमित भैया लोगों हटाइए ना, कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपसे जोरदार ढंग से महोदय में कल सदन को शर्मसार किया, हमारे विधायकों को बूटों तले रौंदा गया, हमारी महिला विधायकों की साड़ी खींच के जलील किया गया और उसका कोई प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की नहीं है, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। इसलिए आज हम लोग विरोध के प्रतीक के रूप में, असहमति के प्रतीक के रूप में, वो आज भी हम देख रहे हैं विधानसभा के अंदर सैकड़ों बिहार की पुलिस है, तो सैकड़ों बिहार की पुलिस के साये में लाठीधारी है और छावनी में तब्दील हो गई है। हमें डर लगता है कि हमें अगर उस जगह हम जाए तो हमारी फिर दोबारा पिटाई हो सकती है। हमारे क्वेश्चन है, हमारे शून्यकाल है, हमारा ध्यानाकर्षण है, हमारी तमाम जो जन समस्या है, इन समस्याओं के लिए हम लोगों ने तय किया है। ये राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, माले के हम लोग इस परिसर के ही अंदर, चूंकि ये विधानसभा का परिसर है, विधानसभा का परिसर के अंदर तमाम जो घटनाएं होती है वो विधानसभा की घटना मानी जाती है। इसलिए ये जिम्मेदार है आसन और जिम्मेदार है मुख्यमंत्री। आज बिहार की जनता का नेतृत्व करने के लिए, उनके प्रति वफादारी का सबूत देने के लिए, जान तक देने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग समानांतर जो विधानसभा चलाएंगे और उसके लिए हम प्रस्ताव करते हैं कि हमारा जो गुरुदेव बाबू है उसको आसन का अध्यक्ष के लिए हम लोग जो है प्रस्तावित करते हैं। हम इसका जोरदार समर्थन करते हैं। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।